तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये है 2023 की लेटेस्ट मॉडल बजाज की पल्सर 125 का सिंगल सीट मॉडल, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये 2023 मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी आपको E20 की बैचिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी 2023 में पल्सर 125 का सिंगल सीट मॉडल लेने वाले या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, वीडियो चले गए अच्छे लगे तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक हमसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हम सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 111,600 रुपए ऑन रोड प्राइस यूपी वाराणसी की प्राइस। तो दोस्तों, गौर करिएगा, ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ना, आपको सिंगल सीट मॉडल की प्राइस बताई है। इसमें आपको एक और मॉडल मिलती है जो कि आपको स्प्लिट सीट मॉडल मिलती है। और अगर हम बात करते हैं अगले बदलाव के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको E20 की बैचिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि इथेनॉल 20 वाला मॉडल है। तो आपकी जो बाइक है ना, 80% पेट्रोल यूज करेगी, 20% इथेनॉल यूज करेगी, जिसकी वजह से आपको जो E20 वाला जो पेट्रोल आएगा ना, नॉर्मल पेट्रोल से थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, कि इसमें आपको फ्रंट प्रोफाइल में कोई चेंजेस मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें आपको वाइजर मिल जाता है। वाइजर के ऊपर आप देखिए बजाज का लोगो मिल जाता है। साइड इंडिकेटर वही सेम आपको 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके हेडलैम्प के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हेडलैम्प जो मिलता है ना, वही सेम आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाती है। इसमें कहीं भी आपको DRL या फिर LED हेडलैम्प देखने को नहीं मिलता, आप लोग क्लियर हो जाइएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है ना, वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है, जो कि आपको राइडिंग क्वालिटी को बेहतरीन बनाती है। और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टर देखने को मिल रही है। जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा वो मिलता है 240 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका जो फ्रंट टायर मिलता है ना, वो मिलता है 80/100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिलती है अलावेल के साथ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट फेंडर मिलता है ना, इसमें आपको थोड़ी सी कार्बन फाइबर वाली ग्राफिक्स मिलती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल से, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो साइड प्रोफाइल मिलता है ना, इस कलर के साथ कुछ ऐसा देखने मिलता है, जो कि आपको बता दें कि इसमें आपको 3 कलर मिलते हैं, रेड, सिल्वर एंड ब्लू। ये इसका रेड कलर है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो कार्बन एडिशन है ना, ये आप लोगों को कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम आते हैं हैंडल बार पे, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंडल बार पे आपको मिलता है लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर हॉर्न स्विच देखने को मिल रहे हैं, क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाती है। राइट हैंडल बार पे देखिए इंजन कुल स्विच, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसका जो हैंडल बार मिलता है आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाती है। और अब आते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो गाइस आपको बता दें कि इसका जो मीटर कंसोल है ना, पहले से बिल्कुल अपडेट हो चुका है, क्योंकि अब इसमें आपको वही मीटर कंसोल मिलता है जो कि पल्सर 150 में मिलती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए वही सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको IFE AFE सेट टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है, स्पीडोमीटर जो मिलता है आपको एनालॉग मिलता है, और बाकी सब कुछ आपको डिजिटल मीटर कंसोल में देखने मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो ट्रिप बी देखने मिल जाती है, टाइम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे देखेंगे तो किलोमीटर भी देखने को मिल रही है, ओडोमीटर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, जो मीटर कंसोल है ना, पहले से अपडेट हो चुका है, और साथ ही साथ इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, जो मीटर कंसोल है ना, पहले से अपडेट और एडवांस हो चुकी है। और अगर हम आते हैं इसके फ्यूल टैंक के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक के ऊपर आप देख सकते हैं E20 की बैचिंग मिलती है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इथेनॉल 20 वाला मॉडल है। तो आपकी जो बाइक है ना, 80% पेट्रोल यूज करेगी, 20% इथेनॉल यूज करेगी। और यहाँ पे देखिए टैंक पैड देखने मिल जाता है, जो कि प्री इंस्टॉल देखने मिलती है, जो कि राइडर के लिए काफी हेल्पफुल होता है। साइड में देखेंगे रेड कलर के कार्बन एडिशन वाली ग्राफिक्स मिल जाती है, पल्सर का 3D एम्बल लोगो देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये जो ग्राफिक्स है ना, आप लोगों को कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वो मिलती है 11.5 लीटर की। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, जिसमें आपको सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिलता है, तो दोस्तों बताते हैं आपको, पहले इसमें आपको BS6 इंजन मिलते हैं, लेकिन अब इसमें आपको मिलता है BS6 फेज 2 इंजन। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको OBD2 सेंसर देखने को मिल जाता है, पहले इसमें आपको OBD1 मिलता था। लेकिन अब से इंजन कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इंजन कैपेसिटी वही सेम आपको 124.4 cc का 4-stroke 2-valve ट्विन स्पार्क TTSI BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल रही है। जो मैक्स पावर मिलेगा वो मिलता है 11.8 PS का 8500 RPM का। जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो मिलता है 10.8 Nm का 6500 RPM पे। इसमें आपको FI सिस्टम देखने मिल जाते हैं, पहले इसमें आपको ETFI मिलती थी, लेकिन अब इसमें आपको मिलता है FI सिस्टम। और यहाँ पे देखिए इंजन काउल देखने मिल जाता है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में, बजाज का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, 5-speed गियर बॉक्स देखने मिल जाता है, साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल रही है, और साइड में आपको कार्बन वाली ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। और अगर हम आते हैं इसके सीट के ऊपर, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये भले ही सिंगल सीट मॉडल है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो काफी लंबी सीट मिलती है, जो कुशनिंग मिलती है ना, काफी बेहतरीन मिलती है। आप लोग इस बाइक से लॉन्ग राइड आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर में आपको पिलिंग भी मिल जाती है, और यहाँ पे देखिए साइड में देखते हैं 125 का स्टिकर देखने मिल जाती है, कार्बन एडिशन के रेड कलर के ग्राफिक के साथ। पिलियन में देखते हैं पिलियन फुटे, लेडी फुटे, सारी गार्ड देखने मिल जाती है, फुल कवर चैन देखने मिल जाती है। तो आपकी जो घर की लेडीज है ना, वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती हैं। और अगर हम आते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, तो आपको बता दें कि रियर प्रोफाइल में पल्सर के किसी बाइक में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो पल्सर 150 आती है, जो 125 आती है ना, वही सेम पहले वाला लुक मिलता है रियर से। तो
इसका जो रियर टेल लाइट मिलते हैं वही सेम आपको एलईडी टेल लाइट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों रियर में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता और साइड में देख सकते हैं 125 की स्टिकर देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सस्पेंशन मिलता है वो मिलता है ट्विन गियर शॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है जो कि आपको राइडिंग क्वालिटी को और ज्यादा बेहतरीन बनाती है। इसका जो रियर ब्रेक मिलता है वो मिलता है 130 एमएम का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। जो रियर टायर मिलेगा वो मिलता है 100/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलेवल के साथ। और इसका जो रियर सस्पेंशन मिलता है वो आपको काफी अच्छी कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है क्योंकि ये जो सस्पेंशन है ना काफी बेहतरीन माना जाता है राइडिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको साइड में आप देख सकते हैं इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल्फ दोनों की सुविधा अभी भी देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है। फ्यूल टैंक के ऊपर पल्सर का 3D एम्बर लोगो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर्स स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2055 एमएम, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वॉक मिलता है 165 एमएम, इसका जो हाइट मिलेगा वॉक मिलता है 1060 एमएम का, इसका जो विड्थ मिलेगा वॉक मिलता है 755 एमएम का, इसका जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिलता है 1320 एमएम का, कर्वेट जो मिलती है वॉक मिलती है 140 केजी की। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के डायमेंशन इसके फीचर स्पेसिफिकेशन। अब फाइनली बात करते हैं इसके मेन चेंजेस के बारे में। तो पहला इसमें आपको फुल्ली डिस्टर्बेटर कंसोल नहीं मिलता है, आप लोग क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ मीटर कंसोल जो है ना पहले से अपडेट हो चुका है जो कि पल्सर 150 मिलती है। दूसरा इसमें आपको वीडियो सेंसर मिल जाता है, तीसरा इसमें आपको BS6 फेस टू इंजन मिल जाता है, चौथा इसमें आपको प्राइस जो है पहले से बढ़ चुकी है, पांचवा इसमें आपको मिलता है E20 वाला मॉडल यानी कि फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यही कुछ चेंजेस इस बाइक में देखने को मिलते हैं 2023 में पल्सर 125 में जो कि मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग बताना है कि पल्सर 125 का कौन सा कलर अच्छा लगता है, नियॉन मॉडल या फिर कार्बन एडिशन, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मुझे तो स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो कार्बन एडिशन ज्यादा अच्छी लगती है। आप लोग को कौन सा मॉडल अच्छा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग कोई बाइक अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो अपने रिप्लाई जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट कर रिप्लाई करने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपने हेल्थ के ध्यान रखते रहेगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।